गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि कल मैंने व्लॉग में बताया था कि भाई जल्दी ही अपनी सुपर बाइक आने वाली है, तो हमने इसकी डिलीवरी ले ली है, तो उसका मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं करी। मैं सुबह जल्दी से इस बाइक को लेके आ गया था, सिर्फ एक फ़ोटो लिया था मैंने। तो अभी का सीन क्या है कि अभी मैं जा रहा हूँ एक बार अपनी सिस्टर के घर पे और इसकी पूजा वगैरह के लिए, और उसके बाद मेरे को जो इसके फ्रंट ब्रेक उसमें प्रॉब्लम मैंने बताई थी, वो ब्रेक की प्रॉब्लम सोल्व करानी है। उसके बाद देखेंगे कि भाई लद्दाख राइड पे कौन सी बाइक जा पाती है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। और अभी मैं आपको ड्यूक दिखाता हूँ जिसके मैंने कल टायर्स रिप्लेस कराए थे और अपोलो अल्फा H1 डलवाए थे। तो कल मैं वैसे भी लेट हो गया था, और कल का सीन कैसे क्या हुआ कि भाई कल के व्लॉग में मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने भाई माइक नहीं लगा रखा उसका। मैं जैसे ही GoPro लगा के निकल गया और फिर मेरे को पूरे दिन पता ही नहीं चला कि भाई माइक तो मैंने लगाया ही नहीं है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी ना रखने का नतीजा। अगर मैं डेली व्लॉग अपलोड करता, डेली मोटो व्लॉगिंग करता, तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन ठीक है, अब चलते हैं और बाइक दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अपनी ड्यूक 390 खड़ी है, और ये इसमें टायर डलवाए मैंने अपोलो अल्फा H1 पीछे एंड H1 ही आगे। हालांकि आगे का मेरा टायर बचा हुआ था, बट फिर भी भाई एक टायर रिप्लेस कराना सही नहीं होता किसी भी बाइक में, जो ऐसी बाइक हो। और अब मेरे को करानी है इसकी जो फोक सील है वो रिप्लेस, और डिस्क पैड डलवाऊंगा इसकी, और थोड़ा काम और करवाना है। तो इसको अभी छोड़ते हैं यहीं पे, कल या परसों लेके जाऊँगा, आज उसको लेके जाते हैं। और इसकी जो ये टैंक ग्रिप्स थी ये मैंने निकाल दी। अब यहाँ पर भाई थोड़ी सी ना इसकी ग्लू रह गई, वो मेरे से नहीं उतरी है, बहुत हार्ड है ये, उतरवा लूँ आज मैं। इस साइड से मैंने निकाल दी थी, तो आज इसको लेके चलते हैं और देखेंगे भाई इसके ब्रेक्स में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर बाकी काम कराएंगे। और सर्विस इसकी अभी अभी हो रखी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ इसका ऑयल। यहाँ से दिखेगा शायद, यहाँ पे इसका इंजन ऑयल आता है जब स्टार्ट होगी, मैं आपको दिखा दूँगा। इंजन ऑयल इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी सिर्फ 500 किलोमीटर चले। यहाँ पर इसमें थोड़ी सी भाई ये है, इसको मैं रिपेयर कराऊँगा। तो चलते हैं, मिलता हूँ आपसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। भाई साहब एक तो गर्मी, ऊपर से इसकी हीट जान निकाल रही है भाई, सीरियसली। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब बड़े प्यार से निकालनी पड़ेगी यहाँ से। टच ना हो जाए भाई, और वो तो मैंने इसको सी मोड में लगा रखा है, उसके बावजूद ये इतनी हीट निकाल रही है। अब लगाऊंगा ए मोड में, सी मोड में तो बिल्कुल पावर नहीं है यार, मज़ा ही नहीं आता। अब लगाएंगे ए मोड, अब आएगा ना मज़ा। हीट निकाल रही है, सर्दियों में तो इसमें हीटर चलेगा भाई। ओह कल पूरा दिन ब्लॉग किया, पता ही नहीं चला कि मैंने माइक लगा रखा या नहीं लगा रखा, और आज भी पता नहीं वॉइस आएगी या नहीं आएगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, बट देखते हैं भाई साहब क्या ही सीन है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी थोड़ी होती है भाई। बहुत गर्मी थी और अभी घर पे आए हैं, इसको देखो शैतान को। ए बाइक कैसी लगी पहले यहाँ पे बता, कैसी लगी बाइक? अच्छी लगी। हाँ। राइड पे चलोगे? कल जाऊंगा। कल जाओगे? हाँ। याद नहीं जाएगा, कल जाएगा। और इसको देखो एक बार, अपना पप्पी देखो। अरे बेटा ये देखो भाई, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा ना उनको तो पता है कि मैंने ये ले रखा है। ये देखो अभी ना मेरे हिसाब से 20 दिन का है। ये देखो कितना क्यूट है यार, ये मेरे पास आते ना किस करने लग जाते देखो। और ये ना इस शैतान के लिए लाए हम, ये मानता नहीं था, इसको पप्पी चाहिए था। तो अभी का सीन क्या है कि भाई अभी यहाँ पे ना थोड़ी सी, जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि सेल करवाएंगे, मतलब पानी डलवाते टायर पर और पूजा सी करते हैं। उसके बाद मैं अपनी दूसरी सिस्टर के घर पर जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊंगा भाई इसके वर्कशॉप में, एक सुपर बाइक का वर्कशॉप है, मैं बता दूंगा वहाँ पे।
तो इसके जो फ्रंट ब्रेक्स है वो ठीक करवाने हैं। ये देखो कैसे बाइट कर रहा है मेरे को, ये देखो। तो इसके ब्रेक फ्रंट ब्रेक ठीक करवाने हैं और उसके बाद देखेंगे इसका आगे का काम, सर्विस वगैरह सारा चेकअप करा लूँगा इसका। बाकी फिर टायर रिप्लेसमेंट के लिए देखता हूँ कब कराता हूँ मैं, लेकिन अगर ये बाइक लद्दाख राइड पे जाएगी तो मैं पहले चेंज कराऊंगा, क्योंकि भाई टायर बहुत ज़रूरी है चेंज करवाने। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि पहले सिस्टर के यहाँ पे, फिर उसके बाद चलते हैं। ओए लविक, लविक पप्पी का नाम चिट्टी रखा, इसका नाम है चिट्टी, बड़ा क्यूट है यार, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एक नवाब और एक ये देखो मेरे को बाइट करता है ये। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लो यार भाई, वहीं पे सबसे पहले अपडेट मिलती है, क्योंकि जो जो फॉलोअर्स हैं उनको तो पता चल ही गया। अब तो फॉलोअर्स बढ़वा दो यार, आपके लिए सुपर बाइक भी लेके आ गए अब, और अब लद्दाख राइड से पहले ड्रोन भी लेके आना, तो अब तो देखो सब्सक्राइबर बढ़वाना बनता है। बाइट कर लिया, बाइट कर लिया, ये इसको ना बड़ा परेशान करता है, बड़े परेशान करता है ये मेरे को करेगा। अब देखो बाइट कर, मेरे ईयर पर बाइट कर रहा है, बहुत क्यूट है यार, सीरियसली गाइस बहुत ही ज़्यादा। हेलो चिट्टी, ये देखो दबा नहीं रखा इसने इसको, ऐसे ही कर रहा बस। लविक आपके डॉगी को लेके जाऊं? नहीं लेके जा रहा बेटा इसको। आप बताओ किसका कलर ज्यादा वाइट है, इसका ना? नहीं बेटा इसका है, देखो कितना क्यूट है यार। ये परसों लेके आया था मैं छोटा सा, इस शैतान के लिए। ये पप्पी किसका है? मेरा। आपका है? अच्छा ले पकड़ फिर। पुरानी ली है मुझे। सिर करवा देगा यो, बता दे 2 लाख रुपए की। 2 लाख में ऐसा ही हो भी ना हो। हाँ झूठ बोल रहा तू। राक्षी पैसे मिलेंगे। गर्म है स्वीटी, बहुत होनी गर्म है। पैर देख पैर बहुत। तो निकल चुके हैं भाई सिस्टर के घर से, और अभी मैं जाऊंगा एक बार इसके गैरेज में, तो वहाँ पे जाके सारी डिटेल दूंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करवा रहा हूँ। इसके ब्रेक में जो प्रॉब्लम है सबसे पहले वो कराऊंगा, और बाकी सारा चेकअप कराऊंगा कि बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलते हैं एक बार। और एक ही दिन में ना यूज्ड हो गया मैं यार इसका, सीरियसली मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ बाइक को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा भाई। तो भाई यहाँ पे लग गया कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे का टाइम, ज़्यादा ही लग गया शायद। तो सारा सब कुछ पता कर लिया कि भाई बाइक में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं, जो भी है मतलब आज पता कर लिया। मैं तो काम करवाने ही आया था, लेकिन अभी जो इसके डिस्क रोटर है वो बैंड है भाई, जो इसके फ्रंट डिस्क रोटर्स है ना उनमें प्रॉब्लम है, वो मतलब पूरे मतलब टेढ़े हो रखे हैं। तो उसकी वजह से जब मैं फ्रंट ब्रेक लगा रहा हूँ ना, तो इसमें पूरा हैंडल और ये टायर वगैरह वोबल कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे हिल रहे हैं ये। तो उससे क्या दिक्कत आ रही है, उससे एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ यार। हाँ उससे दिक्कत ये आ रही है कि जैसे मैं ब्रेक लगाता हूँ तो ब्रेक नहीं लगते, तो अभी वो अवेलेबल थे नहीं। तो एक बार तो इन्होंने मेरे को बता दिया भाई 40 से 42 हज़ार रुपये का सिर्फ डिस्क रोटर का खर्चा, लेकिन फिर भाई फिर हो गया मेरा दिमाग ख़राब कि यार इतना ज़्यादा खर्चा, मतलब एक ब्रेक में वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर लास्ट में बात हुई तो सुजुकी में पता किया, जो तो इसके ओरिजिनल रोटर सिर्फ 14 हज़ार रुपये के हैं। तो अभी अवेलेबल तो है नहीं वो, तो देखते हैं शाम तक पता चलता है अवेलेबिलिटी है कहीं पे किसी शोरूम पे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ भाई देखना ही पड़ेगा क्या है। और परफॉर्मेंस रोटर जो थोड़े से डिज़ाइन में आते हैं, कटिंग में आते हैं, तो वो मिल रहे हैं भाई 16 हज़ार रुपये के, वो अवेलेबल हैं। तो अभी देखूँगा मैं
कौन से डलवाऊंगा, लेकिन मेरा तो मन यही कि OEM डल जाए। उसके बाद थ्रोटल बॉडी क्लीन होगी और सर्विस इसकी अभी हुई थी तो, और कूलेंट में चेंज करवाऊंगा, इंजन आइस डलवाऊंगा इसमें ताकि हीटिंग कम हो इसमें। तो जो मैंने आज पता किया चैन सेट इसका वीक है भाई, चैन सेट मेरे को रिप्लेस कराना पड़ेगा भाई अपने हिसाब से, क्योंकि मेरी राइडिंग थोड़ी सी ना हाइपर राइडिंग है, थोड़ी सी मैं रफ चलाता हूँ बाइक को, तो परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो भाई काम भी करवाना पड़ेगा। इसीलिए फिर मैंने सोचा भाई, इन्होंने बताया चैन सेट भी रिप्लेस करा ही लो, तो चैन सेट में जब चैन सेट ये लगा लो कि 20,000 रुपये का चैन सेट है। अरे क्या ये पता फोन पे फोन दे रहा है यार, अब नहीं बोल रहा कुछ। तो जो चैन सेट है वो 20,000 रुपये का है और डिस्क रोटर है 15-16,000 रुपये के, तो मतलब 40,000 रुपये का लेबर के साथ खर्चा है इसमें। उसके बाद सर्विस वगैरह करा के सारी चीज़ जो मैंने देखी है ना, तो 1,20,000 रुपये का खर्चा है इसमें भाई, टायर्स वगैरह अगर रिप्लेस कराता हूँ तो देखता हूँ कब कराता हूँ, एक दो दिन में कराना है काम। बस डिस्क रोटर जैसे ही मेरे अवेलेबल हो जाते हैं तो मेरे को तो कराना है ही भाई, ऐसे तो मैं चलाऊंगा नहीं बाइक को बिल्कुल भी। और मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने, बैग में रखे हुए थे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी अब तो, थोड़ा सेफ चला लूँगा लेकिन भाई बिल्कुल भी पहनने का मन नहीं है यार ग्लव्स, सीरियसली बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम गाइस। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और जो जो इसका काम होगा वो जल्दी से करवाएंगे, आपको ब्लॉग मिल जाएगा, इसके डिस्क रोटर, इसके चैन सेट और टायर वगैरह जो जो मैं रिप्लेस कराऊंगा, जो जो कॉस्टिंग आएगी वो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और देखते जल्दी से जल्दी इसका काम करवाना है भाई, क्योंकि ऐसे तो मैं चला ही नहीं पाऊँगा इसको। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया भाई फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पर मिलते हैं। जिन्होंने फॉलो किया हुआ उनको तो पता चल ही गया था कि भाई मैंने बाइक ले लिया है, लेकिन जिन्होंने भाई फॉलो नहीं किया यार आप तो फॉलो कर लो भाई, सुपर बाइक भी आ गई अपने चैनल पे, ऐसे ही साथ आके बढ़ते रहेंगे। अब ब्लॉग आएंगे, मैं सोच रहा हूँ वीक में 2 से 3 ब्लॉग को पक्का डालूँ मैं, तो पूरा ट्राई करूँगा अब ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने की। और लद्दाख राइड जल्दी होने वाली है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ड्यूक पे कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें काम भी कराना है, तो उस हिसाब से फिर मेरा प्लान ये है कि ड्यूक पे मैं लद्दाख राइड करूँगा। जो होगा देख लेंगे भाई, उस ब्लॉग में आपको अपडेट सारा मिल ही जाएगा। तो चलते हैं गाइस, बस ये है ना जो डिस्क रोटर इसके बैंड है उसकी वजह से देखो ऐसे हिलती है पूरी बाइक, तो ये जल्दी से जल्दी कराता हूँ।